Hi, I'm Ronit Roy and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Monica and you're watching me on Filmy Beat. Well, आज हमारे साथ हैं वूट पे लेके आ रहे हैं कैंडी. वेल आखिरकार ये कैंडी है क्या? वेल बचपन से हम सब खाते तो थे कैंडी, लेकिन आखिरकार ये कैंडी ऐसी क्या होने वाली है कि जो बचपन से हम खाते हैं वो आज बताएंगे रोहित रॉय. सबसे पहले हम कैंडी ऐसे क्यों ना है जो बचपन से. यस कैंडी. अच्छा कैंडी. या हाँ जी. सो बताइए आखिरकार ये कैंडी है क्या? क्या ये चॉकलेट है? क्या देखिए कैंडी है तो कैंडी जो स्वीट हम जिसे बोलते हैं तो है तो वही, लेकिन उसकी एक अलग कहानी है और उस पे आधारित ये शो है हमारा. देखिए जंगल वंगल पुराने हवेली खंडहर वगैरह सब है यहाँ तो हर एक कैंडी आती थी अपने बचपन में खाई होगी खट्टी मीठी. हाँ तो ये खट्टी भी है, ये मीठी भी है और ये बड़ी जहरीली भी है. तो मैं पूरी तरह नहीं बताऊंगा आपको कि ये कैंडी क्या है. ये तो जब शो देखेंगे लोग तो तब उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअली कितनी जहरीली है. जिस तरीके से हमने ट्रेलर भी देखा है तो काफ़ी सस्पेंस है, काफ़ी थ्रिलर है. तो लोग ये जानना चाहते हैं, थोड़ा अगर आप हिंट भी दे सकते हैं कि आखिरकार ये मसांड है कौन? हाँ तो वही तो मैं नहीं बता सकता, तो उसके लिए 8 एपिसोड देखने पड़ेंगे ना. अब मसांड है भी कि नहीं हमको नहीं पता. हाँ तो वो भी नहीं बताऊंगा कि है भी कि नहीं है, कि है तो कौन है या क्या है वो भी नहीं बताऊंगा. पर ये बताऊंगा कि एक मसांड तो जो हमारा शो है कैंडी उसमें एक मसांड है जो बाहर है और हर किसी के अंदर हर जो किरदार है इस शो में उसके अंदर भी एक मसान है. अब वो मसान जैसे हम बोलते हैं ना हमारे सिंस, कैंडी का जो टैग लाइन है वो अनरैप द सिन. तो सिंस जो हमारे हैं गुस्सा, ग्रीड, एंगर, जेलेसी, जाहिर है अगर हम इंसान हैं तो हम सब में उन 7 सिंस में से 3-4 तो होते ही हैं. पर प्रॉब्लम ये होती है कि कितनी इंटेंसिटी से हम वो सिन कैरी करते हैं. तो कैंडी शो में हर एक जो किरदार है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो सिंस है वो ट्रॉमा है वो कैरी कर रहे हैं. तो वो अपने इंटरनली भी खुद से भी जूझ रहे और बाहर जो हो रहा है बाहर के कैंडियों से भी जूझ रहे. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक शो है और मुझे जो विशेष रूप से इस शो के बारे में जो मैं इसका USP जो कहते हैं आजकल पूछते हैं कि इसका USP क्या है, इसका USP ये है कि ये जो हमने इंटरनेशनल शोज़ देखे ना जहाँ हमारे यहाँ एक हीरो होता है उसकी एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है तो और इन्हीं के बीच में होता है सब कुछ, बाकी सारे हेंचमैन होते हैं. हाँ तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो अभी कुछ पिछले 5-10 सालों से शुरू, पहले तो वो भी नहीं होते थे. एक माँ होती थी जो रोती रहती थी बस अपने बेटे के लिए दुआ मांगती थी या बहन होती थी. पर कैंडी जो शो है उसमें एक ऑनसेंबल शो है जहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक्टर जो अपना पात्र कर रहा है वो पात्र के अंदर इंटरनली जो चल रहा है उसकी कहानी में उससे भी जूझ रहा है और वो कहीं ना कहीं वो मेन स्टोरी से भी लिंक्ड है. तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाला ये स्क्रिप्ट है पर जा कर के सब अंत में मिल जाता है. ओके एंड जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा है यहाँ पर ड्रग्स की बात होती है, कैंडी में ड्रग्स बेचा जाता है, तो आजकल का युद्ध जो है वो काफ़ी खींचा जा रहा है इसी तरफ एंड अभी जो जनरेशन आने वाली है उनको इससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है. तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? बिकॉज वैसे तो बैन है लेकिन सबको पता है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं. गंध है गंध. और मैं तो खुला बोलता हूँ कि ये देखिए और आजकल का ये जो आने वाली जनरेशन है वो नहीं, जो मेरी जनरेशन तो खैर बच गई ज़्यादातर, पर हमारे बीच की जो जनरेशन है वो एक तो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जो पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि अगर वो ये ड्रग्स ना लें तो वो पार्टी में जाकर मज़ा नहीं करते हैं.
मैं तो बहुत कम बार जाता हूँ, लेकिन जब भी पार्टी में जाता हूँ तो मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी से काम चलाता हूँ और मैं उतना ही मज़ा लेता हूँ जितना शराब पीने वाले या जो भी स्नॉट वॉट जो करते हैं लोग। तो ये एक गंदी और घटिया और बेकार की धारणा है कि अगर आप ड्रग्स ना करो तो यू विल नॉट बी एबल टू हैव फन। इसका जो आपके लॉन्ग टर्म लाइफ पे जो असर होता है, सबसे पहले तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वहाँ से शुरू हो, क्योंकि फिर आपके सारे पुर्जे वन बाय वन गिव अप करते हैं। तो जो मेरे बच्चे वेल एडुकेटेड है थोड़े से, उनके स्कूल के पीछे ही ड्रग्स बिकते हैं, उनको पता है ये बात। हर सीजन में उसका नाम चेंज होता है, कभी पिंक पॉपी, कभी ये पॉपी, कभी वो पॉपी। तो आई थिंक समवेयर वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग एंड एक्सप्लेन टू आवर चिल्ड्रन हाउ बैड इट इज़, इट कैन वाइप आउट अ कंप्लीट जनरेशन। और ये बरसों से हम सुनते आ रहे हैं, सब जगह लिखा हुआ है से नो टू ड्रग्स, फिर भी बच्चे सकम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अब जो उनके बीच ही अगर बात हो ना, यू गाइज हैव टू टॉक टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन टू ईच अदर हाउ बैड इट इज़ एंड कीप योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ अवे फ्रॉम इट। दैट इज़ द ओनली वे टू सेव अ जनरेशन। सो इट्स अप टू यू टू से नो टू ड्रग्स। एग्जैक्टली। एंड दूसरी तरफ अगर ट्रेलर की बात करो तो ट्रेलर में एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कहते हैं कि अब मुझे ही जो है सीक्रेट ये सबके सामने लाना पड़ेगा। तो रियल लाइफ में ऐसी कोई सीक्रेट अगर आप बताना चाहो जो आपको लगता है कि लोगों को अभी तक ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं है? देखिए, अगर लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है तो वो इसलिए क्योंकि बताने जैसी कोई चीज़ नहीं। बहुत सालों पहले मुझे किसी ने कहा था कि अगर, और हमारे फैमिली में भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारी बड़ी ओपन फैमिली है, हर किसी को एक सबके पासवर्ड्स पता है, हम सब के पासवर्ड्स ज़्यादातर सेम ही हैं, तो किसी से कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली बड़ा क्लियरली कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को छिपाने की ज़रूरत पड़े तो उसको मत करो। तो मेरे लाइफ में ऐसी कोई सीक्रेट्स नहीं है, जो भी होता है मेरी फैमिली को, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी ऑडियंस है, मेरे फैंस है, सबको पता चलता है। सो देयर इज नथिंग हिडन अबाउट दैट्स अमेजिंग। एंड जस्ट बहुत दूर के पास्ट में होगा जो दूर के पास्ट में, वो दूर के पास्ट में। एग्जैक्टली। आपने हर जगह लाइक खुद को यू नो एस्टैब्लिश किया है, भले वो OTT हो या फिर इफ आई टॉक अबाउट मूवीज और सीरियल से शुरुआत की थी। सो नाउ व्हेन यू लुक बैक, तो किस तरीके से आप लाइक खुद को महसूस करते हैं, लाइक व्हाट डू यू फील प्राउड ऑफ? इट्स बीन अ ग्रेट राइड। माय यू सी जर्नी इज इम्पोर्टेंट एंड एनीवे सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी। इवन बीइंग एन एक्टर, हमारा जो प्रोसेस होता है, तो वो एक बार रिलीज़ हो गया, कितना अक्लेम मिला, कितनी तालियां बजी, वो सब तो हो गई, या आप हिट हुए या फ्लॉप हुए, सक्सेसफुल हुए अनसक्सेसफुल हुए, बट द रियल फन इज़ इन द जर्नी। और जैसे ही मैं एक चीज़ ख़त्म करता हूँ, जैसे कैंडी ख़त्म हुई, तो अभी मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन माय अदर प्रोजेक्ट, तो अभी उसमें मेरी सोच है कि इसमें क्या मैं, है ना, तो वो अंदर ही अंदर अभी वो एक्साइटमेंट बबल हो रहा है। तो यही है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा काम भी उतना एक्साइटिंग होता जा रहा है एंड आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। दैट्स अमेजिंग। एंड इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो द नेक्स्ट रेडी फॉर रिलीज मेरी फिल्म है, रणबीर कपूर, संजय दत्त, वानी कपूर, शमशेरा, प्रोड्यूस बाय यशराज, डायरेक्टेड बाय करण मल्होत्रा। That is what is ready. एक फिल्म आधी है, इट्स कॉल्ड लाइगर, इट्स गॉट विजय देवरकोंडा एंड अनन्या पांडे, प्रोड्यूस्ड बाय पूरी कनेक्ट्स एंड को प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस। तो वो शायद अगले महीने एंड तक ख़त्म हो जाएगी, इस महीने एंड तक ख़त्म हो जाएगी। अगले महीने एक नई फिल्म जाने वाली है फ्लोर पे, जो कि बहुत प्यारी कहानी है,
फिर दो वेब शोज जाने वाली हैं, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी तक सेट पे नहीं गई हैं। ऑलराइट, एंड जिस तरीके से ओटीटी पे मूवीज रिलीज हो रही हैं क्योंकि थिएटर्स नहीं खुल रहे, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, जो जो एक मॉनेटरी कैलकुलेशन है उसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, तो इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन गोइंग बाय द लास्ट रिलीज ऑन ओटीटी विच वाज शेरशाह एंड आई लव्ड द फिल्म। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ शेरशाह देखिए, बहुत कमाल की पिक्चर बनाई है ना। ऑब्वियसली इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस बिकॉज द फिल्म इज शॉट दैट वे, बट आई थिंक बिकॉज इट्स अ गुड फिल्म इट रिलीज ऑन ओटीटी एंड इट गॉट इट्स ड्यू। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फिल्म अच्छी हो तो ओटीटी भी अगर मिले, अगर आप रिलीज़ करें तो उसको अपना ड्यू, मॉनिटरी में नहीं कह रहा क्योंकि मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं इकोनॉमिक्स क्या होती है उसकी, बट इट गॉट इट्स ड्यू। हम सब ने बहुत प्रशंसा की पिक्चर की, ऑडियंस ने बहुत प्रशंसा की पिक्चर की, और वाकई में बहुत बेहतरीन पिक्चर बनाई है, सब लोगों ने बेहतरीन काम किया है, सो इट्स गेटिंग इट्स ड्यू। हाँ, लेकिन थिएटर सिनेमा सिनेमा होता है, सिनेमा घर होता है, और वो जो एक्सपीरियंस होता है सिनेमा घर में जाके, अब शेरशाह अगर सिनेमा घर में लगी होती तो उसका एक एक्सपीरियंस जो होता वो अलग ही होता, बट सो आई एम सेइंग टिल द थिएटर लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट, कि कम से कम थिएटर जब तक नहीं खुलते हैं ओटीटी तो है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि जब भी थिएटर्स खुल जाएंगे फिर भी लोग जाना पसंद करेंगे बिकॉज इतने ओटीटी से एडिक्ट हो चुके हैं? ये सवाल किसी ने मुझे 2003-04 तब पूछा था कि आप तो इंडिया के तीन सबसे बड़े शो कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये इतना इतने शोज इतने पॉपुलर हो रहे हैं, कोई जाएगा क्या थिएटर में? जाते हैं ना। ओके, एंड लास्टली अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बिकॉज वी नो लाइक देयर आर थिंग्स कमिंग अप बैक टू बैक, बट व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर फैंस एंड द व्यूअर? बस राइट नाउ आई जस्ट लाइक टू टेल यू गाइस दैट वॉच आवर शो कैंडी, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ्स। और जहाँ जहाँ आपको तो पता ही है कि कहाँ कहाँ मुझे लिखना है, तो मुझे लिख के बताइएगा कि कैसे मैंने काम किया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा, बुरा लगा तो बताइएगा। 8th of September, Wood Select, Watch Candy. Thank you so much.